सो अकॉर्डिंगली बट सानू थोरली ता रीड करना पड़ेगा ना, ठीक है? थोरली रीड करांगे ता ही अपना एमसीक्यूज करने वाले बनांगे, ठीक है? क्लियर है? सो सब तो पहला आपा मुहावरे कर दे हाँ, गगा भाग किन्ने ने टोटल मेरी बुक दे अकॉर्डिंगली 28 ने, नवी बुक दे अकॉर्डिंगली, ठीक है? एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ता वो भी असी कर लवांगे, राइट? असी पहले 10 किते हुए सी, ठीक है? उन मुहावरे तो थोड़ा एमसीक्यूज आने ही आने नहीं, ये तो तुसी करना ही करना है ना टॉपिक मुहावरे, ठीक है? पहले आपा 10 किते हुए सन, आपा गंड दा पूर होना तक किते हुए सी, गंड दा पूर मतलब अमीर होना, ठीक है? नेक्स्ट 11th है गंड लेना, गंड लेना एमसीक्यूज विच कितना आ सकते ने, अर्थ पूछा जा सकता है, अर्थ जिस तरह गंड लेना दा अर्थ अलग अलग ऑप्शन दिया जा सकते हैं, या अर्थ जिस तरह हुण गंड लेना दा है अपने वाल कर लेना, अपने वाल कर लेना दा सही मुहावरा दसो, ऑप्शन किधर आ सकते हैं, गंड वजना, गंड दा पूर होना, या कोई होर ले लो गंगा ना होना, एरे विचों दी तुहानू सही ऑप्शन पता होना चाहिए है। सो मीनिंग भी लर्न करने जरूरी ने, मुहावरे तो तुहानू पता ही है, मतलब दोनों की पछाण तुहानू होनी चाहिए है, ता ही तुसी एमसीक्यूज कर सकते हो, या ये हो सकता है बिकॉज उन एमसीक्यूज है कुछ नहीं पता, ठीक है? किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह का पैटर्न होएगा, या थानू पूछा जा सकता है पूरे का पूरा मुहावरा, ठीक है? तो वो मुहावरे दे विच मान लो कि हुण जिस तरह गंढ लेना है, अजकल दे नेता लोकसभा लई चुने गए मैंबरां नू मंत्री बनाउण दा लालच दे के अपनी पार्टी नाल गंढ लैंदे हन, मुहावरा दे दिता, हुण इहदा गंढ लेंदे हन तां विच ही आ गया, इस मुहावरे दा सही अर्थ दसो, इस तरह भी आ सकता है। सो तुहानूं हर तरीके दे नाल रेडी रहना पै सकता है, ठीक है? सो मुहावरे दा अर्थ की है, अपने वल करना, ठीक है? किसी इंसान नूं अपनी फेवर विच लै लेना, ठीक? इस तरह दे मुहावरे भी आ सकते ने, इदां दा पैटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट है गल ठंडी पै जानी, गल ठंडी पै जानी, मतलब कोई गल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, पर वो कितने ना कितने अपने आप ही जाके सॉर्ट आउट नहीं हुई, पर वो मसला उथे दो उथे ही दब गया, दोबारा नहीं उठया, ठीक है? कुछ गल आई गई हो जानी या गल भुला जानी, मान लो कि कोई गल चल रही है, ठीक है? क्लास विच भी कोई गल चल रही है, कि वो गल ऐदा ही कुछ ना कुछ पूछते रहने के कारण वो गल आई चलाई होगी या गल भुल जाती है, ठीक है? उन्होंने आप कहते हैं गल ठंडी पै जानी। थानेदार विरुद्ध रिश्वत दे मामले ने चोर चंगा जोर फड़िया कि कुछ दिनों विच ही गल ठंडी पै गई, ठीक है? काफी इस तरह के मसले ने कि उत्थे गल ठंडी पई, या तुसी कोई घरेलू समस्या ते लिख सकते हो, ठीक है? अगर किसी नूं कोई भी मुहावरा आंदा होएगा, उदा अच्छा बनाना आंदा होएगा सेंटेंस, ते हाथ खड़े कर सकते हो तुसी, ठीक है? नेक्स्ट है गिदड़ों शेर बनाउणा, गिदड़ों शेर बनाना, मतलब किसी कमजोर इंसान नू ताकतवर बना देना, ठीक है? गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, वो सिगा ना एक गुरु गोबिंद सिंह जी दा, ठीक है? 1,25,000 से एक लड़ाऊं, वो वाले जो गिदड़ों शेर बनाना, मतलब के किसे कमजोर नू बहादुर बनाना, ठीक है? या तुसी इहदे विच हुण जिस तरह ए गुरु जी दा लिखा होया है, खंड बाटे दा अमृत छका के गुरु गोबिंद सिंह जी ने गिदड़ा नूं भी शेर बना दिता, या तुसी ये लिख सकते हो कि कोई भी पर्सन दा नाम लिख के कि सुरजीत पहला पहला ते बहुत ज्यादा डरिया रहिंदा सी, ओ किसे नाल भी इन्ना उच्ची नहीं सी गल करदा, पर हुण पता नहीं उहनूं की हो गया, ओ गिदड़ों शेर बनी बैठा है, मतलब अचानक ओहदे विच हिम्मत आ गई है, ठीक है? नेक्स्ट गरम होना, गरम होना गुस्से विच होना, ठीक है? कि मापिया की गल ना सुनन ते या कोई गलत काम करन ते दूसरा पर्सन जड़ा है वो गर्म हो जाता है, गुस्से विच आ जाता है। नेक्स्ट गल पै जाना, गल पै जाना मतलब झगड़ा करना, ठीक है? गल पै जाना गल पै जाना झगड़ा करना,
मतलब बिना मतलब दे कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई इंसान थोड़े गाल पै जाता है, तो जबकि तुम ओदे नाल इतनी ज्यादा कोई लड़ाई की भी नहीं होती। ठीक है, बुक से थोड़े लिखा कि पैसों के लैण देन कारण दोवें भरा एक दूसरे के गल पै गए। ठीक है, नेक्स्ट है गिले गोहे वांग तुकना, गिले गोहे वांग इहदा मतलब की है अंदरों अंदरी सड़ी बली जाना, मतलब बाहरों की जिस तरह गोहा समझते जितों पाथियां बनदियां है गोबर जिन्हों आप कहने वह की करता तुखड़ा की होंगे तुखदा रहा अंदरों अंदरों की। ठीक है, इसे तरह ही जो इंसान है वह अंदरों अंदरी तुखदा रहा है, बाहर अपनी कोई भी कोई पड़ास नहीं करता। ठीक है, बाहरों कुछ नहीं बोलता पर अंदरों अंदरी एक तरह न सड़ी रहा है, बलिया ही रहा है, किसी ना कोई भी खुल के गल नहीं कर पाता। ठीक है, अपनी सास के वेलड़पति दियां जातियां कारण दीपका गिले गोहे वांग तुकदी रहती है, मतलब वो बोलती कुछ नहीं हो पर अंदर अंदर सड़ती रहती है। नेक्स्ट है गुल छर्रे उड़ाना, 17th है गुल छर्रे उड़ाना, मतलब आवारा गर्दी करना, फजूल खर्ची करना, कि अजकल कई जड़े नौजवान हैं उन्होंने कोई काम नहीं मिलता तो वह आवारा गर्दी करते फिरते हैं। ठीक है, जो मुहावरे लिखने ने तो रीजन जरूर देना ही देना है, इदा नहीं लिख देना कि नौजवान आवारागर्दी करते हैं, क्यों करते हैं वेले रहन करके, क्योंकि वह बेरोजगार हैं। ठीक है, नेक्स्ट गंड तुप करनी, गंड तुप करना की हुंदा आपस में सौदेबाजी कर लेनी, मतलब आपस में ही सलाह मशवरा कर लेना। ठीक है, वोटां दे दिनां विच सियासी पार्टियां दे लीडर वोटरां नाल कई तरह की गंढ तुप करते हैं, आपस में ही सौदेबाजी कर लेंगे ने। ठीक है, तो लोगों नूं उहदा बिल्कुल भी पता नहीं चलता, या तुसीं इह भी कर लैंदे होर भी लिख सकते हो कि कोई दुकानदार का नाम लिख लो कि उन्होंने आपस में व्यापार नूं वधाउण दे लई ठीक है गंढ तुप कर ली। नैक्सट है गुड्डी चढ़नी, गुड्डी चढ़नी मुहावरा एदा बन सकता है, सॉरी एदा मीनिंग हो सकता है मशहूरी होना, ये भी हो सकता है, या सेकंड हो सकता है तेज प्रताप वाल जाना। तेज प्रताप मतलब कि इंसान दिनों दिन तरक्की कर रहा है, ठीक है विकास वाल बढ़ रहा है, ज्यादा पैसे क्रिकेट के खेत्र विच विराट कोहली की चंगी गुड्डी चढ़ी हुई है, या तुसी होर लिख सकते हो कि राम दा जड़ा व्यापार है लोहे का व्यापार है बहुत तरक्की कर रहा है ते ओदी दिनों दिन गुड्डी चढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 20th गलों गलावा लाना, गलों गला की लाना हुंदा लापरवाही करनी, हुण कई बच्चों ने हॉलीडे होमवर्क भी ऐदा ही भेजा गलों बला ला दिती, आपां कहने ना ये काम मतलब तुसी उस काम नूं प्रॉपरली नहीं करदे। ठीक है, हुण जिस तरह कई बच्चे लैसन सुन रहे ने मुहावरे सुन रहे ने पर ऐदा नहीं सुन रहे ने, कोई खास रिस्पोंस नहीं उन्होंने। ठीक है, उन्होंने की होंगे है कि मतलब तुसी लापरवाही दे नाल काम करते हो, तुसी उस काम नूं सिंसेरिटी दे नाल करते ही नहीं। ठीक है, और फैक्ट भी है काफी बच्चे इदा दे होने ने जड़े कुछ सुन नहीं रहे होने। ठीक है, कुछ को बच्चे इदा दे होने ने जड़े बस सुन रहे होने। ठीक है, ज्यादा पैसे लैके दर्जी ने गलों गलावा ला के सूट हाथ फड़ा दिता, मतलब कि उन्हें चंगी तरह ना स्टिच नहीं किया तो ऐसे तरह ही बस उन्होंने स्टिच करके दिता, या तुसी होर लिख सकते हो कोई भी होर काम जिस तरह हुण काम करते ने कोई। ठीक है, कि वह चंगी तरह नाल काम नहीं करता, वह तो सिर्फ काम नूं गलों बला लाण वाला ही करता है। ठीक है, नैक्सट गल गलावा पैना, गल गलावा देखो हुण इहदे विच बेटा दो है एमसीक्यूज भी ध्यान नाल आ सकते ने, इहनूं बहुत ध्यान नाल करो। देखो एक गलों गलावा लाउणा है एक गल गलावा पैना है, गलावा लाउणा मतलब छड़ देना काम नूं छड़ देना, पैना मतलब अपने उत्ते ही पै जानी मुसीबत सहेड़नी। ठीक है, गल गलावा मुसीबत साढ़े उत्ते ही आ जानी, अजोके समय विच कई बार किसी की सहायता करना गल गलावा पाण वाली गल बन जाती है। ठीक है, मतलब जे अज आपां किसी की हैल्प करते हाँ तो उहदे नाल की हुंदा आ साढ़े ही गल गलाव, मतलब जे मान लो कि हुण जिस तरह रोड उत्ते एक्सीडेंट होया। ठीक है, हुण रोड उत्ते एक्सीडेंट होया ते कई बारी लोकी की करदे ने सिद्धे निकल जांदे ने, निकल जांदे ना आपां बहुत ही ज्यादा मुसीबत नहीं लैंदे, मूल कोई उहनूं पुछदा तक नहीं, क्यों नहीं पुछदे, क्योंकि सानूं इदां लगदा है कि उह परसन नूं जे आपां उहदी हैल्प करांगे तां मे बी असीं ही वेरीफिकेशन पुलिस वेरीफिकेशन च ना फस जाइए। ठीक है, मोस्टली इदां हुंदा है, काफी लोकी डरदे ने
ਹਨਾ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਗਲਾਵਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੋਣਾ। ਗੋਦ ਹਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੂਬ ਕੁੱਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੂਬ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 9th ਬੀ ਵਤਸਲ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ 44, 9th ਬੀ ਵਤਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ। ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਗਿੱਦੜ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੇਚਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਮੋਸਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਤਬੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਮਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਟੁੱਕਣਾ। ਗੱਲ ਟੁੱਕਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਟੁੱਕਣਾ। ਸਾਊ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੋ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੂੰਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦੜਾ, ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਸੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਸ਼ੀ ਸਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ। ਓਕੇ ਹਰਸ਼ੀ ਸਾਨੀ।
ठीक है, ताकि मैं देख लवा कि केड़ा थोड़ा रह गया ते केड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है, या सारे ही हो गए ने, एक बारी मैं टैली कर लवांगी। ओके ठीक है, गग्गा पाग मुहावरे हो गए, ये जो थोड़ा टेस्ट होएगा ट्यूसडे नो ओदे विच आनगे, एमसीक्यूज विच भी आ सकते ने, ठीक है, आने एमसीक्यूज भी है क्योंकि गूगल फॉर्म से टेस्ट होना है, वैसे नहीं आओगे, पर तुसी करने हर तरीके दे नाल है, अर्थ भी पूछे जा सकते ने, मुहावरे तो पूछने ही पूछने हैं, ठीक है। सो ओदे लिए रेडी रहो, टोटल 29 मुहावरे ने, राइट। अगर कोई एक्स्ट्रा होया तो मैं थोड़ा कल कर, कल तो नहीं मंडे करवा दूंगी, ठीक है। फोन ना बेटा देखो, नाउ इज योर टर्न, मेरी टर्न नहीं है बोलन दी, योर टर्न। सी आप क्योंकि सानू टेस्ट विच जफरनामा इकांगी भी आनी है, ठीक है। सो जफरनामा इकांगी दे विच तुहानू सार लिखण लई मिलिया सी, है ना, हॉलीडे होमवर्क थोड़ा एक प्रोजेक्ट बनना सी, उहनू भी संभाल के रखियो, ओदे विच हैंड रेस करो, ओदा मैनू सार सुनाओ, तुसे लिखता दिता सार, ठीक है। काफी बच्चों दी ना लिखण दे विच भी मिस्टेक्स ने मैं देखिया, ठीक है, उन्होंने अंडरलाइन तो नहीं किया बट मैं उन्होंने मिसटेक्स देखिया ने, थोड़ी सियारी बिहारी के काफ़ी बच्चों की बड़ी ज्यादा मिसटेक आती है, ठीक है। अगर थानू नहीं है पता लगता तो तुम ओपनली मैंने पूछ सकते हो, ये कोई ठीक है शाय फील करने वाली कोई गल नहीं हैगी, राइट। ये सियारी कितने पैंती है तो बिहारी कितने पैंती है, इदा दिया बहुत मिसटेक्स ने, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में जाके इदा दिया जो मिसटेक्स ने बहुत ज्यादा घट जाती ने, सारे दिन बट कुछ कुछ बच्चों मिसटेक्स ने, ठीक है। और कई ने सिर्फ जिस तरह इतों गलों गला लाई है, फाहे वड्या होया है, ठीक है, हॉलीडे होमवर्क तुम प्रॉपरली किया नहीं, सिंसैरिटी के नाल किया ही नहीं है, दो तीन बच्चों ने की किया होया बेटा, तुम प्रोजेक्ट वर्क ही गलत लिखा होया है, और दो तीन बच्चे इदा के ने जिन्होंने पूरा घरोगी जीवन एक पास एक पैरा विच लिख दिता, बस एक पास बनावटी जीवन लिख दिता, दैट्स इट, कोई पिक्चर कोई कुछ नहीं लगा होया, ठीक है, उन्होंने ओदा ही अपने को संभाल के रखना है, उन्होंने कुछ नहीं हो सकता, जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने बहुत अच्छा भेजा उन्होंने तो मैं ऑलरेडी गुड दे ही दी है, ठीक है। हुण देखो जफरनामा इकांगी, जफरनामा इकांगी डॉक्टर हरचरण सिंह की लिखी हुई है, ये आप छुट्टिया विच कीता सी तुहानू याद हो, ठीक है, असं पूरे टाइम ही इतने लगा दिता सी जिन्हें सानू टीचिंग पीरियड मिले हुए थे। सो जफरनामा इकांगी का सार कौन सुनाएगा, जफरनामा इकांगी का सार, क्योंकि एदे विच्चों भी तुहानू असाइनमेंट आनी है, ठीक है, मैं हुण तुहानू आ असाइनमेंट भेजांगी विद इन 2 or 3 days, ठीक है, ते ओदे अकॉर्डिंगली तुसी जस्ट उहनू करना है। हाँ जी निष्ठा मैम, जफरनामा इकांगी डॉक्टर हरचरण सिंह की लिखी हुई है, यह एक इतिहासक अते महत्वपूर्ण रचना है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ी हिम्मत नाल मुगल बादशाह औरंगजेब नूं पत्र लिखे, उस पत्र विच उन्होंने उन्होंने बड़ी बहादुरता नाल लानता पाईया, जिस नूं देख के ही उसकी जमीर झंझोटी गई, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨੇ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਨਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਏਗਾ?
तो तुमसे कितना है हॉलीडे होमवर्क हो थोड़ा सफरनामा एकांगी का सार कोई नहीं सुनाएगा एक बस निष्ठा नहीं पढ़िया सी ओके अमृतपाल हाँ जी अमृतपाल जफरनामा कांगी डॉक्टर हरचरण सिंह की लिखी हुई है एक इतिहासिक कांगी है यह अभी फारसी भाषा में लिखा गया है ते गुरु सिंह जी द्वारा औरंगजेब ने उसके किए हुए जुर्मों का हिसाब करवाने लई इस बीच मुगल राज के समय बारे गल की गई है जदों कि औरंगजेब का राज सी औरंगजेब ने 50 साल लोगों पर जुर्म किए सन ते चाहुंदा सी कि सब कुछ उसकी मर्जी अनुसार हो गए जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक खत राही उसनों उसके किए जुर्मों का इतिहास भी लाया था वो पूरी तरह डर गया ते उसनों अपने किते का इतिहास होया एहसास होया औरंगजेब ने खत नूं पढ़ के पहला तो वजीर खान नूं दोषी ठहराया ते फिर उसने असद खान नूं सब दस्सिया ते अंत विच पछतावा करदा होया कि आप अपने मां दी माफी मंगदा है ते सानूं इह की दसदा है कि सानूं जिंदगी विच इहो जिहा कोई काम नहीं करना चाहिए जिस नाल सानूं अंत विच पछतावा होवे। वेरी गुड सी मेरा बेटा ये करवाने का मोटिव की है तुसी कहना कि दोबारा करवाया जा रहा है मोटिव ये है क्योंकि हुण एमसीक्यूज ही आने ने तुहानू ठीक है ते ओदे अकॉर्डिंगली आपां तैयारी तो करनी है ना जे तुहानू सब जफरनामा एकांगी का सार पता होएगा ता ही तुसी कर पाओगे ना ठीक है। हुण जफरनामा एकांगी का सार निष्ठा ने भी सुना दिता अमृतपाल ने भी सुना दिता वेरी गुड ठीक है। एदे विच पहला तो तुहानू पुछा जा सकता है राइटर का नाम जफरनामा एकांगी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने आपां ऑलरेडी किए हुए ने ठीक है जस्ट सुन लो तुसी जफरनामा एकांगी जिहड़ी है ओह डॉक्टर हरचरण सिंह की लिखी हुई है ठीक है। एमसीक्यूज हुण आ सकता है कि जफरनामा एकांगी दे एकांगीकार का नाम दसो चार ऑप्शन आ सकदिया ने पहली आ गई डॉक्टर हरचरण सिंह दूसरी मान लो आ गई संत सिंह सेखो ठीक है तीसरी आ गई आई सी नंदा मीन्स ईश्वर चंद्र नंदा फोर्थ आ गई तेजा सिंह लैलो जिन्होंने घर का प्यार लिखा हुआ है ठीक है। सो ऐसा थानू आ सकता है राइट तो तुसी सही ऑप्शन केड़ी है गूगल फॉर्म से भी थानू इदा दे ही क्वेश्चन आने गूगल फॉर्म तुसी वैसे अटैम्प्ट करते ही आ रहे हो थानू पता है किदा करना है ठीक है। सो राइट वन इज डॉक्टर हरचरण सिंह ठीक है। होर पूछा जा सकता है उस तो बाद विच इस विच आए पात्र ठीक है उन जफरनामा एकांगी दे पहला ते आपां पात्रा दे नाम कौन दसेगा जफरनामा एकांगी दे विच किन्ने पात्र सन ते उना दे नाम पात्र केड़े केड़े सन मुख पात्र सहायक पात्र महत्वपूर्ण पात्र मुख्य पात्र कौन सी औरंगजेब ठीक है जेदे अगे पिछे सारी दी सारी एकांगी घूम रही है और ओदी बेटी सी जीनत उन निसा ठीक है ओदी पत्नी सी बेगम उदयपुरी ठीक है उदयपुरी और एदा एक अहलकार सी जिन्हों अपना सच्चा दोस्त मंदा सी अस्त खान ठीक है ते एक शाही हकीम एह पात्र सी इना विच जिन्हों दा पूरे दा पूरा होया है जिक्र ठीक है। बेगम उदयपुरी जड़ी सी ओ औरंगजेब दी तीसरी पत्नी जीनत उन निसा ओदी बेटी सी ओदे होर दो बच्चियां दे नाम आए सन जिस तरह कामबख्श उदयपुरी का बेटा सी एक यदी बेटी सी ठीक है जेब उन निसा आई थिंक वो शायर सी हुण पात्रा दे विच एमसीक्यूज किदा आ सकते ने वो सुन लो देखो आ सकता है कि जफरनामा एकांगी विच जफरनामा एकांगी विचले पात्र दा नाम दसो ठीक है उन ऑप्शन ए
अकबर, ऑप्शन बी कामबख्श, तीसरी ऑप्शन अज़्द खान, लास्ट ऑप्शन दया सिंह। ठीक है, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया थोड़ा, पिछले पात्र का नाम दसो, हूँ ये पात्र हूँ अकबर का तो नाम आया से सिर्फ वो पात्र नहीं है, कामबख्श का भी नाम आया से वो भी पात्र नहीं है, दया सिंह का भी नाम आया से वो भी पात्र नहीं है, तो बचता कौन, अज़्द खान। सो अज़्द खान इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह भी पूछे जा सकते ने। ओके, होर की पूछा जा सकता है कि इस इकांगी विच, इकांगी का नाम लिखा हो सकता है, ठीक है, जफरनामा इकांगी विच औरंगजेब किस तो डरता है। ठीक है, औरंगजेब किस तो डरता है या ओनू किस चीज का एहसास होता है, किस तो डरता है विच आ सकता है परमात्मा तो डरता है, गुरु गोबिंद सिंह जी तो डरता है, अपनी बेगम तो डरता है या अज़्द खान तो डरता है। ठीक है, परमात्मा तो या गुरु गोबिंद सिंह जी के भेजे हुए खत तो वो डरता है तो नर्वस हो जाता है। ठीक है, फिर वो जफरनामा आएगा खत, या आ सकता है कि जफरनामा दा मीनिंग तुहानू करवाया सी, तुहानू याद होवे, ठीक है, जून विच आपां कीता सीगा, जफर मतलब की हुंदा है, जफर जुल्म, नामा मतलब लिखत या रचना। ठीक है, एदा मीनिंग पूछा जा सकता है, राइट, मतलब होर काफी सारे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा ऐसे विचों ही एमसीक्यूज विचों दी, या जफरनामा इकांगी विच बेगम उदयपुरी औरंगजेब की किन्नवी पत्नी सी, दूसरी तीसरी चौथी या पंजवी। सो आंसर इज तीसरी। ठीक है, और एमसीक्यूज चल रहे ने क्योंकि हुण जिस तरह का पैटर्न हले आ रहा है, ठीक है, डॉक्टर हरचरण सिंह बारे भी पता होना चाहिए है। ठीक है, लेखक बारे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और हुण जिन्हें भी आप पहला कर ले हुए ने उहदे विच जिन्हें भी जिस तरह घर का प्यार किया, आप बोली किया है, दो काव्य रचनावां किया, आप जफरनामा किया, असीं पांच चैप्टर कर चुके हैं ना। ठीक है, तो हुण जिहड़ा आप रीसेंटली किया है शब्द तू मेरा पिता तू है मेरा माता, ओदे विच जिन्ने भी इन्हां दे राइटर ने उन्हां बारे भी तुहानूं पता होना चाहिदा है, बिकॉज ओदे विच भी शॉर्ट क्वेश्चन्स या एमसीक्यूज बन सकदे ने। ठीक है, या हरचरण सिंह कित्थों दा रहण वाला सी, उन्हां दीआं काव्य रचनावां दे नाम, ठीक है, उन्हां नूं लर्न कर लो, या एक बार गो थ्रू जरूर हो जाओ, क्योंकि जदों तुसीं एक बार गो थ्रू हो जांदे हो तुहाडे माइंड विच किते ना किते ओह वाली गल रहिंदी जरूर है। ठीक है, तो ये जरूरी है हरचरण सिंह बारे भी पढ़ना। ठीक है, हुण मैं तुहानूं इस तरह के क्वेश्चन बना के देवांगी, तुसीं जस्ट तुहानूं सॉल्व करना है, या तुसीं की कर सकते हो, वो पूरी दी पूरी असाइनमेंट का प्रिंट आउट लै सकते हो, अगर तुसीं नहीं लिखना तां, ठीक है, प्रिंट आउट लै सकते हो, पूरी दी पूरी असाइनमेंट नूं उत्थे ही सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह इदां ऑप्शन हो सकदे ने, उत्थे तुसीं टिक लगाना है, फिर उस असाइनमेंट नूं तुसीं अपने कोल संभाल के रखना है। ठीक है, जिन्हिया भी बेटा मैं तुहानूं असाइनमेंट्स भेजदी हाँ, ठीक है, या अगे भेजांगी, एक फोल्डर लगा लो, ठीक है, पंजाबी दा एक अलग फोल्डर लगा लो, उहदे विच हमेशा सेव रखो, ठीक है, ताकि तुहानूं कोई भी चीज कितों भी लभण दी जरूरत ना पड़े। ठीक है, ठीक है, हुण इहदी असाइनमेंट मैं तुहानूं भेज देवांगी विद इन 1 or 2 days, राइट, तुहाडे टेस्ट तों पहला तुहानूं इह वाली असाइनमेंट मिल जाएगी। हो सकता है कि विचे मुहावरे होन या विचे ही शब्द की असाइनमेंट भी होवे। ठीक है,